सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमे जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 19 जून 2022 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 19 जून 2022 दिन रविवार, आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों में ही बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव से लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर यह बाधाएं परेशान नहीं करेगी। आपसे सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। दिन का अधिकतर समय घर के रखरखाव संबंधित गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। इस समय अपने वित्तीय योजना संबंधित कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। यह आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। कलात्मक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। खुद की गलतियों का एहसास होगा। पछतावे की वजह से तकलीफ रह सकती है। बातें समझ में आने के बाद भी आपके द्वारा प्रयत्न क्यों नहीं किए जा रहे हैं इसका अवलोकन करें। महत्वपूर्ण बातों से संबंधित काम करना कितना आवश्यक है इस बात को समझने की कोशिश करें। भागीदारी में काम करने वाले लोगों में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े की वजह से आपको निराशा महसूस होगी। बदन दर्द की वजह से बेचैनी भी बढ़ सकती है। सावधानियां, आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। संतान पक्ष को लेकर भी कोई चिंता रह सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। अपने बजट से अधिक खर्च ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक तथा खुशनुमा रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों का प्रस्ताव आपके घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपका पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव करेगा। जब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होगा। बात करते हैं करियर की। आप आभूषण या कुछ बहुमूल्य रत्नों या मॉडलिंग या उस तरह के समान पीसे से जुड़े हुए हैं। आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों का किसी समारोह के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके सफल होने के आसार हैं, इसीलिए चिंता छोड़ें और आगे बढ़ें। आपको अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक पैसे की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी अपना ध्यान काम पर नहीं देंगे। इस समय कोई भी नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ सौम्यता से पेश आए। बात करते हैं सेहत की। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला देते आपको तसल्ली नहीं होती, लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसकी आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है।
कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिली। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पाली। आज का उपाय, आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।